नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाशक्तिशाली टोटके चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त उपाय लेकर आया हूं दोस्तों। शनिवार को करें ये एक उपाय, जल्द ही बन जाएगा आपका अपना घर। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त टिप्स, जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो अब मैं बात करूंगा उस उपाय के बारे में। जी हां, शनिवार को करें यह एक उपाय, बन जाएगा आपका अपना घर। दोस्तों, काफी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप में शक्तिशाली व चमत्कारी होती है, जिन्हें शास्त्रों में भी खास बताया गया है। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में भी बताया गया है, जिनका परिणाम शीघ्र देखने को मिलता है और जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय, टोटका या प्रयोग हम बताएंगे, यह आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। धन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। काफी लोगों की ये समस्या रहती है कि जो भी मनोकामना वे सोचते हैं वे पूरी हो ही नहीं पाती है, बल्कि धन की जो समस्याएं उनके जीवन में होती हैं वे दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बड़ी होती जाती हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि जैसे व्यक्ति के पास जब माता लक्ष्मी का साथ नहीं होता है तो व्यक्ति धन की जुड़ी समस्याओं से ग्रसित होता ही जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे, जिसे आप कर लेते हैं तो आपकी धन की जुड़ी सभी समस्याओं का अंत स्वतः ही हो जाता है। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का नाम पूरे सच्चे मन से श्रद्धा भाव से लिखें, साथ ही बजरंग बली की कृपा प्राप्त करने के लिए जय बजरंग बली अवश्य लिखें। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के मन में यह सपना होता है कि उसका अपना खुद का एक घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो, किंतु अपने बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी वह व्यक्ति उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है कि वह अपना खुद का घर बना पाए और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर पाए। अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी लोग इतना ही कमाई कर पाते हैं कि वे अपना गुजारा कर सके, उससे कुछ बचा नहीं पाते हैं जिससे कि वे अपना घर बना पाए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इसी श्रृंखला में एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से आपको अपने घर की प्राप्ति होगी, आप अपना खुद का एक निवास स्थान बना पाएंगे। इसे करने से आपके सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपका कार्य सिद्ध होगा, आपकी बरकत होगी और आपका खुद का घर बनने का सपना आपका पूरा होगा। वो सपना जो अब तक आपकी आंखों में ही बसता था, जो अब तक आपने केवल सोचा था, वह अब पूरा होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको इस उपाय के लिए क्या करना है। दोस्तों, शनिवार को नहा धोकर यदि प्रत्येक शनिवार एक ही समय पर आप यह कार्य करेंगे और आप ये कार्य करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका अपना मकान, अपना घर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी ग्रह आपके रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। परमात्मा तथा ग्रहों की ऐसी कृपा आप पर होगी कि आप अपने निवास के स्वामी बन जाएंगे। आपको केवल दोस्तों ध्यान इतना रखना है कि आप इस उपाय को प्रति शनिवार आप एक ही समय पे करें और पूरे निष्ठा भाव और विश्वास के साथ करें, किसी के भी बहकावे में ना आए और अपने पथ से अडिग ना हो। आप पूर्ण विश्वास यदि प्रभु पर रखेंगे तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि वह उपाय क्या है। शनिवार की सुबह नहा धोकर दो चपाती का आटा लगाना है, यानी दो रोटियों का, दो फुलकों का आटा आपको लगा लेना है और उस आटे को बनाते वक्त या उस आटे को गूंथते वक्त आपको दो बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यानी आपको वह आटा लगाते वक्त यानी आटा गूंथते वक्त आपको धीरे धीरे गूंदना है और हनुमान चालीसा का दो बार पाठ करना है। अब हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अब आपको इस आटे की दो चपाती बनानी है और उसे तेल के साथ चुपड़ लेना है, यानी उस पर तेल लगा दें
तथा काले सफेद तिल, काले और सफेद दोनों प्रकार के तिल दोनों रोटियों पर लगाते हैं और उन रोटियों पर थोड़ी सी चीनी डाल लें। जी हाँ दोस्तों, आपको यह क्रिया प्रति शनिवार करनी है। आइए अब जानते हैं इसके आगे आपको और क्या करना है। अब इन दोनों रोटियों को हाथ में लेकर परमात्मा के समक्ष खड़े होकर पाठ करें, जो पाठ आप रोजाना करते हैं, तथा परमात्मा से प्रार्थना करें कि आपका अपना निवास शीघ्र बन जाए। यदि आप कोई भी पाठ प्रतिदिन नहीं करते हैं तो आप हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ भी आप कर सकते हैं। पाठ पूरा हो जाए तब इन दोनों रोटियों को आप ले जाएं तथा किसी काले कुत्ते को खिलाएं। ऐसा प्रत्येक शनिवार करना है और प्रत्येक शनिवार एक ही समय पर करना है दोस्तों। इस उपाय में विशेष तौर पर ध्यान देने की बात भी यही है कि यह उपाय का समय एक ही रहे तथा काले कुत्ते को ही डालनी है। कुत्ता हर शनिवार बदल भी सकता है, परंतु अपने घर के कुत्ते को नहीं डालनी है। किसी आवारा कुत्ते को डालेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। पालतू कुत्ते को मत डालें। इस उपाय को गुप्त नहीं रखना है। यदि कोई इसके बारे में आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आप उत्तर प्रोटीन क्यों डाल रहे हैं या कुत्ते को रोटी क्यों डाल रहे हैं तो विस्तार से बता दें। उसे इससे आपका उपाय और मजबूत होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ये उपाय किसी और के साथ शेयर करते हैं या आप हमारी इस वीडियो को भी अगर किसी और के साथ शेयर करते हैं तो आपका यह उपाय और अधिक मजबूत होगा। उपाय पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, नियम और समय अनुसार करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। यदि आप पूरे विश्वास के साथ किसी उपाय को करते हैं तो आपका उपाय अत्यधिक रूप से मजबूत होता है और जल्दी फलदायी बन जाता है। दोस्तों, ये जो उपाय हमने आपको बताया है, इस उपाय को करने से आपके सभी बिगड़े हुए ग्रह अनुकूल दिशा में हो जाएंगे। कोशिश करें कि आप पाठ करते वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप कोई प्रतिदिन कोई पाठ करते हैं तो आप उस पाठ को भी निरंतर कर सकते हैं। यदि आप अब तक कोई पाठ नहीं करते थे किंतु आप इस उपाय को अपनाना चाहते हैं और कोई पाठ करना चाहते हैं तो विशेष तौर पर हम आपको कहेंगे कि आप बजरंग बाण का पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, आप यदि बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो बहुत उत्तम है। यदि आप बजरंग बाण का पाठ नहीं करते हैं तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। ये भी बहुत उत्तम माना जाता है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां होती है। इन हर एक चौपाई का अपना अलग अर्थ है। इसके लिए भी हम आपको आगे विशेष तौर पर एक वीडियो डालेंगे जिससे कि आपको इसकी पूरी जानकारी हो पाए। तो दोस्तों, ये जो हमने आज आपको उपाय बताया है, इस उपाय को करने से आपके मन की इच्छा यानी अपने घर को प्राप्त करने की इच्छा जल्दी पूरी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको आज बताना चाहेंगे कि यदि आप किसी भी उपाय को करते हैं और उस उपाय की को पूरा करने के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, आपके अंदर पूर्ण रूप से विश्वास है, तब भी कई बार ऐसा होता है कि आपका उपाय काम नहीं करता, तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप अपने श्रद्धा अनुसार दान अवश्य किया करें। ये नहीं कि आप जब उपाय करना चाहते हैं तभी आप दान करें। आप निरंतर कुछ भी अपने श्रद्धा अनुसार कोई शेड्यूल बना ले, जैसे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या साल में एक बार, बड़ा छोटा कोई भी अपने श्रद्धा अनुसार आप दान अवश्य किया करें। और विशेष रूप से जब भी आप कोई उपाय करते हैं, चाहे आपने किसी से पूछा है या हमारी वीडियो देखकर कर रहे हैं, तब भी आप जितना संभव हो उतना दान अवश्य किया करें। दान करने से दोस्तों पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे हमारे जो उपाय करते हैं इनमें मजबूती आती है। यानी गारंटी तो नहीं होती है कि भाई उपाय 100% काम करेगा, लेकिन 99% कार्य अवश्य करता है, क्योंकि इससे हमें जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे परमात्मा के मन को शांति होती है। हम जो कोई उपाय करते हैं, हम कोई दान करते हैं, किसी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करते हैं, तो इससे परमात्मा को बहुत शांति होती है।
परमात्मा का ध्यान हमारी तरफ भी आता है, जिससे हम पर उस उदान करने के बाद उस उपाय को करते हैं तो प्रभु उसे नोटिस करते हैं कि इस व्यक्ति ने दान किया है, किसी जरूरतमंद की मदद की है, अपने श्रद्धा से अपने मन को शांति देने के लिए ये दान किया गया है, तो अब हमें इसका उपाय जो है स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हम जब कोई वस्तु देते हैं, प्रभु हमारे दिए हुए दान के भूखे नहीं होते हैं। प्रभु हमारे द्वारा कोई भी भेंट किसी को दी हुई या कोई नारियल पानी में बहा देना, इस आदि चीजों से कोई खुश या इनकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन बस वो हमारे मन का भाव देखना चाहते हैं। तो वो ये देखते हैं कि हम किस व्यक्ति को कितना दान करते हैं, कितना किस व्यक्ति को हम समझते हैं, इंसानियत हमारे अंदर कितनी है, हम कितना पुण्य कमाते हैं। तो दोस्तों, दान करने से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो आप जितना हो सके इस मोह माया को, जाल को त्याग करके अपने इच्छा अनुसार आप दान करें। जितना भी आप दान करेंगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा, उतना ही आपके जो उपाय करेंगे वो मजबूत होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप शनिवार का एक साधारण सा उपाय करके और थोड़े से नियमों का पालन करके अपना खुद का घर बनाने का सपना साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है या आपको इससे कोई जानकारी प्राप्त हुई है, तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त टिप्स, जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।